वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के सदर वाईएस शर्मिला ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय और सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी से फोन पर रब्त करते हुए बेरोजगारों के मसाइल पर मुत्तहदा तौर पर तहरीक चलाने की तजवीज पेश की। इसके लिए मुत्तहदा लाए अमल तय करने के लिए उन्होंने मशवरा दिया। इसी के हिस्से के तौर पर प्रगति भवन की तरफ मार्च करने के प्रोग्राम को भी मुनफिद करने की शर्मिला ने तजवीज पेश की। उन्होंने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव तेलंगाना में अपोजिशन को उस वक्त जिंदा नहीं रहने देंगे जब तक कि वो मुत्तहद होकर नहीं लड़ेंगे। शर्मिला की पेशकश पर बंडी संजय ने मिलकर लड़ने की तजवीज से इत्तेफाक किया और कहा कि वो इस मसले पर जल्द मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों के मसाइल पर मुश्तरका जद्दोजहद जरूरी है। इसी दौरान रेवंत रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन जमातों को साथ मिलकर लड़ने का वक्त आ गया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पार्टी में इस पर तबादला ख्याल करते हुए फैसला किया जाएगा। जगतियाल में बीआरएस पार्टी के मुकामी लीडर को रक्स करते हुए अचानक दिल का दौरा पड़ा जिससे इसकी मौत हो गई। इसकी शनाख्त बंडारी नरेंद्र की हैसियत से की गई है जो जगतियाल की 33वीं वार्ड काउंसलर का शौहर बताया गया है। इब्तदाई इत्तेलात के मुताबिक जगतियाल में बीआरएस पार्टी का इजलास था जिसमें रुकन काउंसिल कविता शिरकत के लिए पहुंची थी। इजलास के शुरू होने से पहले तेलंगाना तल्ली मुजस्मे के पास पार्टी कायदीन और कारकुनों के लिए जश्न का अहतमाम किया गया। इसमें रक्स भी किया गया। इस दौरान बंडारी नरेंद्र रक्स करते हुए गिर गया। इसकी अचानक मौत के बाद पार्टी ने इजलास को मुलतवी कर दी। वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली निकहत जरीन की हैदराबाद आमद पर शमसाबाद एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ और दीगर के साथ उनको खुली जीप में ले जाया गया। वजीर मौसूफ ने उनको तहनियत और मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर श्रीनिवास गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना की दुख्तर ने वजीर आला चंद्रशेखर राव के ताउन से आलमी सतह पर शिनाख्त बनाई है और दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया है। तेलंगाना को रियासत का दर्जा मिलने के बाद खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जा रही है। वजीर आला खेल की बेहतर पॉलिसी तैयार कर रहे हैं और अकेडमीज का क्याम अमल में ला रहे हैं। आलमी सतह पर अपनी शिनाख्त बनाने वाली निकहत जरीन को अकेडमी के क्याम के लिए ताउन हुकूमत की जानिब से किया जाएगा क्योंकि आलमी सतह पर बॉक्सिंग के मुकाबलों में हिस्सा लेने कई बॉक्सर्स को तैयार करने की ताकत निकहत जरीन में है। తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ మా నిత్య చరణ్ తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో ఎదిగి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రభుత్వ సహకారంతో తెలంగాణ ఖ్యాతిని నిలబెట్టినటువంటి మా నిత్య ప్రపంచ స్థాయిలో ఇంకా మంచి గుర్తింపు రావాలని ప్రపంచ స్థాయిలో ఛాంపియన్ కావాలని ముఖ్యమంత్రి గారి తపనతో సహకారంతో అంచెలంచెలుగా ఈరోజు 3 సార్లు కూడా ప్రపంచ స్థాయిలో చాంపియన్షిప్ పొట్టి మొన్న జరిగినటువంటి ఢిల్లీలో అంతకుముందు ఇస్తాంబుల్లో అంతకుముందు టర్కీలో ప్రతి దగ్గర మా నిక్కత్ ఎక్కడ అడుగు పెట్టిన భక్తులను ఓడించి తెలంగాణ ఖ్యాతినే కాదు ప్రపంచంలోనే దేశం భారతదేశం యొక్క ప్రతిష్టను గొప్పదించినటువంటి మా నిక్కత్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత క్రీడాకారులను ప్రోత్సహిస్తూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మంచి క్రీడా పాలసీలో తీసుకొచ్చి అకాడమీలను కూడా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పే ఆలోచనతో అనేక అకాడమీలు ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం. ఫస్ట్లీ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ అవర్ స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ సార్ అండ్ చైర్మన్ గారు అండ్ చాముండి సార్ అండ్ అందరికి ఈరోజు whoever has come and welcomed me. I was very happy with the way everyone welcomed me and
I would like to thank CM KCR Garu, Kavita Madam and KTR Sir for always being very supportive. Because of their support only in Eroji, two times World Championship lo gold medal sadin chanu. So, idi na second time World Championship lo gold medal. Chala happy feel avutunnanu Bharat Desham kosam and Telangana kosam for winning. Ilage mi andar support unte definitely in Olympics lo kuda gold sadin chalani korukuntunnanu. Thank you. मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी पर हल्के असम्बली कारवान के 12 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए 1.2 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की गई। हर ग्रुप के लिए 10 लाख रुपए मंजूर किए गए। हकीमपेट से ताल्लुक रखने वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप के अलावा दीगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ हल्के असम्बली कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मुहिद्दीन का शुक्रिया अदा किया। GHMC कारवान सर्किल में ये फर्स्ट अपना हकीमपेट में डिजेबल ग्रुप बनाए। इस फर्स्ट लोन में जो है बेनिफिशियरी 100 पीडब्ल्यूडी ग्रुप है, उन लोगों को पहले एक 25,000-50,000 ही देते थे, लेकिन अभी तो बैंकर्स भी घर तक पीडब्ल्यूडी घर तक ग्रुप वालों के घर तक आके वेरिफिकेशन करके फर्स्ट लोन ही 1 लाख दिए। इनका छोटा छोटा कारोबार है, ओनली 5 मेंबर्स है उस ग्रुप में, लेकिन फिर भी 1 लाख लोन सैंक्शन हो गया। उन लोग छोटे छोटे यूनिट्स अच्छा सक्सेस कर रहे, रन कर रहे सब। अब इसके इन लोगों को 1 ईयर में 1 लाख बहुत बढ़िया है, उसमें हेल्प अपना MLA साहब का बहुत बड़ी हेल्प है। महकमे अखिलती बहबूद के कमिश्नर व डायरेक्टर शफीउल्ला ने मक्का मस्जिद का दौरा करते हुए मस्जिद में तरक्याती कामों और इंतजामात पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मस्जिद की सफाई के लिए इंतहाई जदीद आलात व मशीनें खरीदी गई हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ सफाई आसान हो रही है बल्कि सफाई के कामों में तेजी आ गई है। मक्का मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में अरसे के बाद जाए नमाजों के कारपेट्स बिछाए गए हैं, इससे न सिर्फ मुसल्लियों को सहूलत हो रही है बल्कि मक्का मस्जिद की खूबसूरती में भी इजाफा हो गया है। महकमे अखिलती बहबूद की जानिब से मस्जिद के मुलाजमीन के लिए यूनिफार्म मुतारिफ करवाया गया है, जो हरमैन शरीफैन के मुलाजमीन की तरह फराहम किया गया है। राजीव रंजू सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ग्लोबल सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरिंग ल्यूमिनस ने कहा है कि ल्यूमिनस की जानिब से गरमाई प्रोडक्ट्स मुतारफ करवाए जा रहे हैं, जिसमें आइकॉन सीरीज शामिल है। ये सीरीज काफ़ी खूबसूरत है, इसको दीवान खाने में रखा जा सकता है। ये पोर्टेबल भी है और इसकी बैटरी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 3 BHK के लिए इस बैटरी से पावर बैकअप सॉल्यूशन 3-4 घंटे दिया जा सकता है। ये महफूज इन्वर्टर भी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जारिया साल हाई केवी रेंज भी मुतारफ करवाई गई है, जिससे AC के साथ साथ दीगर बर्की के आलात को भी आसानी के साथ चलाया जा सकता है। ये रेंज काफ़ी असरी टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। उन्होंने ऐलान किया कि जारिया साल कंपनी का इश्तराक राजस्थान रॉयल्स के साथ है। नमस्कार, ल्यूमिनस वाइड रेंज इन्वर्टर्स के देती है, जो कि रेजिडेंशियल होम्स में और सोलर स्पेस में हमेशा कस्टमर्स को हेल्प करती है। हम हमेशा कस्टमर डिलाइट के लिए काम करते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कस्टमर को देते हैं, ताकि उनकी पावर बैकअप प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाए। ल्यूमिनस इस बिजनेस में 35 साल से है और हर सीज़न, हर समर सीज़न में हम नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ताकि हमारे कस्टमर को हमेशा हॉट समर में उनको पावर बैकअप सॉल्यूशंस मिल जाए। हम पावर बैकअप सॉल्यूशन में हैं, हम सोलर स्पेस में हैं, जो कि रेजिडेंशियल और स्मॉल कमर्शियल्स को हेल्प करती है। इस साल भी हम समर सीजन के लिए अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आइकन सीरीज़ है। अगर आप आइकन सीरीज़ हमारी देखेंगे तो ये एस्थेटिक मार्वल है, मतलब बहुत ही खूबसूरत है। इसको आप ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, ये पोर्टेबल है और इसकी स्ट्रॉन्ग बैटरी इतनी अच्छी है कि 3 BHK के लिए पावर बैकअप सॉल्यूशन 3-4 घंटे का देती है। ये सबसे सेफेस्ट इन्वर्टर भी है, क्योंकि आपको बैटरी टर्मिनल वगैरह कोई भी एक्सपोज नहीं है, सारा एक पैकेज के अंदर है और इतना खूबसूरत है कि हर एक कस्टमर इसको अपने लिविंग रूम में रखना चाहेगा। पुलिस ने रामनवमी के मौके पर
पत्थरगट्टी के करीब पेश आए तसादुम के वाक़े के सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया है। DCP सौजो नागा चेतनिया ने कहा कि पुलिस ने इस वाक़े के वीडियो का नोट लिया है और ASI रविंद्रनाथ की शिकायत पर ज़ाब्ता फौजदारी के मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बाज़ अफराद एक दूसरे से मुतसादुम हैं। चंद्रानगुट्टे के क्रिस्टल टाउन कॉलोनी में बल्दिया की जानिब से इन्हदामी कार्रवाई की गई। इस मौके पर मजलिस के साबिक कॉर्पोरेटर हबीब जैन आरिफ और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकामी आवाम ने इस इन्हदामी कार्रवाई की मज़ाहमत की कोशिश की, ताहम पुलिस की मौजूदगी में ये इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। इस सिलसिले में बल्दिया के अहदेदारों से रबते की कोशिश की गई, ताहम ये अहदेदार दस्तियाब नहीं रहे। हाँ साहब, आप बताइए, आपके घर पे जो अभी डबरा किया जा रहा है उसकी नोटिस आपको मिली है? जी, हमारे बिल्डिंग पे तो नोटिस नहीं आया था, बाजू का भी जो बिल्डिंग है वहाँ पे नोटिस आया था। एग्री करते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वो, लेकिन वहाँ पे अननेसेसरी हमारी बिल्डिंग में जाकर के वहाँ पे पूरे होल्स कर दिए। यहाँ पे जो बिल्डिंग को नोटिस नहीं दिए वो भी तोड़ दिए। जो बिल्डिंग को नोटिस नहीं दिए कुछ नहीं, आप देखिए पीछे वीडियो में देख सकते हैं, पूरा कलर्ड बिल्डिंग है, पूरा फुल्ली फैमिली ऑक्युपाइड बिल्डिंग है वो। अच्छा, वहाँ जाकर के आप ऐसा अननेसेसरी कोई बात सुनने वाले नहीं है, कुछ नहीं। मेरे भाई कुछ बोल रहे थे, रोक रहे थे, उनको अंदर अभी रख दिए वहाँ पे बात करने। छोड़ देते सही बात है, लेकिन फैमिली परेशान हो रही है ना, वहाँ पे हार्ट पेशेंट है। रात में ही जाके बात करने गए थे, नोटिस नहीं दिए हुए, बल्कि बात करने गए थे उनको डायरेक्टली, उनको फिर ले लेके आके बिठा दिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पे कोई बात सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे ट्राई कर रहे, नोटिस तोड़ रहे पूरा विदाउट नोटिस। सामने नवंबर की नोटिस कल आके लगा दिए रात में, कल रात में सडन आके लगा दिए। अच्छा, आप लोगों को ये है कि सडनली नोटिस लगा के सुबह में आके तोड़ना शुरू कर दिए? स्टार्ट कर दिए हम, हमारे हैंड कोई हैंड में हम लोग को नोटिस नहीं मिला, ना हमारा कोई सिग्नेचर है, कोई एक्नॉलेजिंग नहीं है हमारी तरफ से कि हाँ हमको नोटिस मिला करके। अगर कहीं है तो प्लीज हमें बताइए कौन है। तो अभी आप यहाँ पर बल्दिया के लोग हैं और पुलिस के आला अधिकारी हैं, तो आप उनसे पूछे नहीं है कि नोटिस क्या है, क्यों तोड़े जा रही? कोई बात करने के लिए रेडी नहीं है, डायरेक्टली डिमोलिश करने के लिए स्टार्ट कर दिए वो लोग। अभी भाई वहाँ पे गए, भैया छोटे भाई से ये इरफान पूछने गए हमारी बिल्डिंग को क्यों तोड़े करके, आप ये बताइए, आप अपने एरिया के जो MLA MP से आप उनकी कोई मदद लेना चाह रहे थे? भाई कांटेक्ट किए लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला, बोलकर बताए भी। ठीक है, थैंक यू। बगैर नोटिस दिए आगे लोग जो घरों में रह रहे वो घर भी तोड़ रही, कोई नोटिस नहीं दिए। नवम्बर की नोटिस कल लाके लगा के लोगों के ऊपर CHMC वाले जुलुम कर रहे। नवंबर की नोटिस कल रात में लगाए, लोगों में लोग घरों में रह रहे वो घर तक तोड़ रहे। कौन सा एरिया है ये? बल्लागुड़ा क्रिस्टल टाउनशिप। कौन सा PS आता है? चंद्रानगुट्टा PS लिमिट। तो भगत नोटिस के लोग आके तोड़ रहे की नोटिस कल रात में लाके लगाए, जब तक उन्हें को पता नहीं है सुबह नहीं मालूम, सुबह मालूम हुआ हम सबको, जब यहाँ पुलिस आई जब मालूम पड़ा। तो ये किसी JHMC वाले की है? JHMC वाले करे। ठीक है। डायरेक्टर अखिलियती बहबूद व सेक्रेटरी तेलंगाना हज कमेटी बी शफीउल्ला ने हज हाउस नामपल्ली के मुख्तलिफ अहम शोबेजात के साथ साथ अहम मुकामात का मुआयना किया। उन्होंने मस्जिद, बैरूनी वजू खाना और दीगर मुकामात का जायजा लिया। इस मौके पर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी और दूसरे मौजूद थे। दिल का दौरा पड़ने से 13 साल लड़की की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक जिला महबूबाबाद के मौज़े आबाई पालम में ये वाकया पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक बोदा तांडा की रहने वाली 13 साल श्रावंती मुकामी स्कूल में 6वीं जमात में जेर तालीम थी। कल वो श्री रामनवमी त्यौहार के मौके पर छुट्टी होने की वजह से अपनी सहेलियों के साथ खेलने के बाद नानी के मकान वापस हुई और सुबह में दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। लड़की के रिश्तेदार ने CPR के तरीक़ेकार के जरिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाने के बाद उसे इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमाल जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन,
2D डिजिटल एक्सरे अल्ट्रासाउंड ऑपरेशन थिएटर ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पिलर नंबर 150 अतापुर हैदराबाद।